चल बता, तुझे क्या पसंद है? ये पसंद है या ये? मैं नहीं समझता ये सब कुछ। तुम दोनों देख लो ना। अरे ये क्या बात हुई, हम तय नहीं कर पा रहे इसीलिए तो तुझे पूछ रहे हैं। एक काम कर, सारी ले ले। प्रॉब्लम सॉल्व। क्या सारी ले लो? दुकान खोल ली है क्या घर में? चल बता। ये वाली अच्छी है, मतलब नए रंग है, थोड़े अलग रंग है, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा। ये? हाँ, रंग तो नए ही है। मुझे लगा था कि तुझे सादे रंग पसंद है इसलिए मैंने ये नहीं चाहिए, ये ले लेते हैं। वैसे तो सादे रंग ही पसंद है मुझे, लेकिन जब भी कुछ बदलता था ना पहले तो मुझे अजीब लगता था, बुरा लगता था, लेकिन अब बदलाव आने लगा, अच्छा भी लगने लगा, और इसका क्रेडिट सोनाक्षी को जाता है। बदलना तो सभी को पड़ता है, अच्छा है जितनी जल्दी आदत डालो बेहतर है। मिस्टर दीक्षित। सोनाक्षी, कम से कम अब तो माँ के सामने मुझे मिस्टर दीक्षित मत कहो। सॉरी देव, मैंने ये सारे बेडशीट्स आपके रूम के लिए नहीं बल्कि रिया और निकी के रूम के लिए सिलेक्ट किए थे। आपका रूम इतना क्लासी है तो ये सारे कलर सूट करेंगे, है ना आंटी जी? और वैसे भी शर्ट्स में और बेडशीट्स में फ़र्क होता है, उसमें मुझे ब्राइट कलर्स है तो मैंने सजेस्ट किया। अच्छा तो वो केसरी रंग की कमीज तुम्हारे कहने पर देव ने पहनी थी? हाँ माँ, देखना तेरे अच्छे खासे बेटे को संतरा बना रही है। नहीं, मैं तो माँ, मैं कह रहा हूँ, अब क्या हुआ? अब क्यों बोलती बंद होगी माँ के सामने? कह रहा हूँ माँ, मैं सब कुछ बदलना चाहती है, मेरी अलमारी के सारे कपड़े बदलना चाहती है। चलो अब ये पसंद की है तो ये चद्दर ले लो और ये भी ले, घर चलते हैं, मुझे थोड़ी थकान महसूस हो रही है। हाँ चल। ये वाली अच्छी है, मतलब नए रंग है, थोड़े अलग रंग है, तो कमरे में भी कुछ नयापन होगा, सब कुछ बदलना चाहती है। ईश्वरी, गई तो थी, ऐसी चहकती मैना बनके थी, और वापस आई तो बोलती भी नहीं। इतनी ज्यादा आइसक्रीम खा ली कि अपना गला खराब कर लिया? नहीं भैया, आइसक्रीम खाने का मन ही नहीं किया तो नहीं खाई। क्या, तू देव के साथ गई और बिना आइसक्रीम खाए वापस आ गई? क्यों माँ, अब मेरी चॉकलेट आइसक्रीम भूल कैसे गई? ओके फाइन, भूल गए तो भूल गए। वाओ, कितने प्रिटी है ये, लेकिन इतने ब्राइट कलर्स, आपको तो वो लाइट एंड डल पसंद है ना, तो ये सारे सोना को पसंद आए तो देव को भी यही पसंद आए तो यही ले लिए। नाइस, सोना दीना हमारे बोर्ड भाई को कितना इंटरेस्टिंग बना दिया ना माँ। वैसे भैया पे पहला आपका है तो आप बताइए कि आप उनके पसंद की कौन सी वाली बेडशीट रख रही है, और हम सेकंड हैंड सिटीजन के हिस्से में क्या आ रहा है? ये सारी तू ले जा, मैं नहीं रखने वाली इनमें से कोई। मैं खुश हूँ अपनी पुरानी चादर से, मैं कुछ भी नहीं बदलने वाली। पर क्यों, ये कितनी अच्छी है। तुझे अच्छी लगी ना तो सारी की सारी ले जा, सभी के कमरों में उनकी पसंद के हिसाब से लगा दे। जा। माँ, आप गुस्सा क्यों हो रही है, आपकी तबीयत सही नहीं है क्या? अरे नहीं, मैं गुस्सा कहाँ हो रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे गलत मत समझ, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, हो सकता है शायद जरा ज्यादा थक गई हूँ, लगता है बाहर जाने की उम्र नहीं रही मेरी।
थोड़ी देर आराम करना चाहती हो। अब तो कह दो क्या? वही तीन वर्ड। I love you. No. तो फिर क्या? You were right. तुम सही थे। सुबह से कहे जा रही थी Are you sure? अब पता चल गया ना माँ कितनी खुश थी हमारे साथ आकर। सोनाक्षी, जितना माँ और मैं एक दूसरे को जानते हैं उतना शायद ही कोई किसी को जानता हो। फिर भी आंटी जी नहीं जान पाई कि उनका बेटा उनकी डॉक्टर से प्यार करता है, तो वैसे ही आपको शायद समझने में कोई गलती हुई होगी। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं, माँ खुश थी। ओके, आई ट्रस्ट यू। पर मैं एक और बात कहूँ? हाँ। आई थिंक हमें माँ को और थोड़ा वक्त देना चाहिए। आई मीन, अचानक से जब उनकी दुनिया में कोई आता है तो उनके साथ एडजस्ट करना, उन्हें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना। एक्सेप्ट नहीं कर पाना जो उनके बेटे की सबसे बड़ी खुशी है। सोनाक्षी, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम एक दूसरे को जानो। इसी वजह से आज एक साथ बाहर जाना शॉपिंग के लिए बहुत जरूरी था। वैसे भी रिश्ते बदल रहे हैं, तुम डॉक्टर पेशेंट से सास बहू बनने वाली हो, तो बातों के टॉपिक बदलने चाहिए और देखने का नजरिया भी। अगर ये एक प्रपोजल था तो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट प्रपोजल था। हेलो मिस खरगोश, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब मैं मिस्टर देव दीक्षित प्रपोज करेगा तो वो दुनिया का सबसे रोमांटिक प्रपोजल होगा। ओके ओके। ईश्वरी, अगर तुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है तो तू देव से बात क्यों नहीं करती? भैया, मैंने कब कहा मुझे सोनाक्षी पसंद नहीं है? सोनाक्षी अच्छी लड़की है, मुझे पसंद है वो। सब कुछ अच्छा है तो तुझे बुरा क्या लग रहा है? तू परेशान क्यों है? अब ये मत कहना कि तू परेशान भी नहीं है। पर मैं नहीं हूं परेशान, सब ठीक है भैया। मैं सच में थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। देखना तुम्हारा रणवीर छोले और भटूरे देखते ही कैसे कूदने लगेगा। रणवीर, कल का नाश्ता नेहा बना रही है, और वो भी छोले और। भाभी, मैं कल नाश्ता नहीं कर पाऊंगा, मुझे सुबह जल्दी निकलना है, ब्रोकर से मिलना है और उसके बाद माँ के ऑपरेशन की डेट फिक्स करनी है। तूने पैसों का इंतजाम कर भी लिया? किसी दोस्त से कोई लोन वगैरह? नहीं भाभी, पैसे हमारे ही हैं, वो जो फ्लैट हम लेने वाले थे हम नहीं लेंगे। मेरी ब्रोकर से बात हुई है, उसने कहा है कि 5,000 रुपए काट के वो बाकी की डाउन पेमेंट वापस करने को तैयार हो गए। रणवीर, इस मामले में इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। तूने और नेहा ने उस घर के लिए कितने सारे सपने सजाए थे। लेकिन भाभी, वो सपने माँ की आंखों की रोशनी छीनकर सच तो नहीं हो सकते ना। मेरे लिए माँ का ऑपरेशन इम्पोर्टेंट है इस वक्त, और कुछ नहीं। नेहा, फ्लैट को लेकर परेशान हो ना। नेहा, हम फ्लैट कभी भी ले सकते हैं, लेकिन माँ की आंखों का ऑपरेशन नहीं होगा तो क्या हम उस फ्लैट में चैन से रह पाएंगे? रणवीर, मैंने कब कहा तुमसे कि उनकी आंखों का ऑपरेशन मत करवाओ? आपको मैं इतनी घटिया लगती हूँ क्या? मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हम भाई से पैसे भी तो ले। नेहा, हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तुम्हारे भाई से कुछ भी लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन मेरी फीलिंग्स को कुछ ना समझना तुम्हारे लिए पॉसिबल है? जी जी, फोटोग्राफर को कितने बजे बुलाया है? 10:30 बजे आएगा भाभी। जी जी, वो मैंने ना फेस पैक लगाया है।
आप लगाओगी मैं लेके आऊं? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। माँ, अरे आ गया मेरा बच्चा। बहुत अच्छी लग रही है। अरे बेटा मैं भी तो हूँ। सॉरी मम, कैसी आप? ठीक हूँ मैं, तू बता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग रेडी क्यों नहीं हुए अभी तक? अरे फोटोग्राफर को 10:30 बजे बुलाया है। तो माँ के लिए मैं साड़ी निकाल देती हूँ। हाँ वो तेरे ससुराल से जो दी थी ना मुझे तेरी शादी पर, वो पहनूंगी मैं। और उसके ऊपर भाभी ये देखिए, ये बड़े मोती वाला हार, अच्छा लगेगा ना? हाँ अच्छा है। वैसे जीजी इतने चाव से मैंने कम ही तैयार होते देखा है आपको। चाव मुझे तैयार होने का नहीं है भाभी, चाव तो पूरे परिवार को एक साथ देखने का है। नेहा के पापा गुजरने के बाद इतने सालों बाद आज पहली बार पूरा परिवार इकट्ठे तस्वीर खिंचवाएगा। सबको साथ पाकर मन को बड़ा सुकून मिलता है, लगता है मैंने भी कुछ किया है जिंदगी में, कुछ है जो मेरा अपना है। मामी जब बात अपने परिवार की आती है ना तो बिल्कुल शेरनी बन जाती है। अगर इनका बस चले ना तो हम में से किसी एक को भी अपनी आंखों के सामने से गायब ना होने दे। माँ तुमने मेरी शादी कैसे करवा दी? कर ले मेरा मजाक, पर सच कहो नेहा, मैं जरा भी अनोखी नहीं हूँ। हम औरत साथ होती ही ऐसे है, दिल की कमजोर होती है पर मन की बड़ी मजबूत होती है। अगर हमारे परिवार पर जरा भी आंच आए तो हम कैसे बिल्कुल शेरनी की तरह खड़ी हो जाती है। और हर माँ अपने बच्चे और परिवार के लिए ऐसी ही होती है। तो रुक, तू जब माँ बनेगी ना तो ऐसी सब समझेगी। बाबा आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अरे कोलकाता म्यूनिसिपल इलेक्शन हो रहे हैं, उससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? वो अपना सुकुमार है ना, सुकुमार घोष, जो हमेशा कुर्सी पे बैठा रहता है, वो खड़ा हो रहा है इलेक्शन में इस बार। अब इससे इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? बाबा मैंने सुना था कि इंडियन डैड्स के लिए अपनी बेटी के रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं होता। किसकी बेटी के रिश्ते की बात हो रही है भाई? आपकी। क्या है ना कि वो मैं कल देव और आंटी जी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी, तो देव का भी यही कहना था कि आंटी जी के बिहेवियर से ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। मेरी बेटी की शादी होने वाली है। मेरी बेटी की शादी होने वाली। क्या बाबा, अगर आप ऐसे इमोशनल हो जाओगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। कंट्रोल कीजिए, कंट्रोल कीजिए। ओके, वन, टू, थ्री। ओके सोना, 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 अपनी माँ को बिल्कुल भी मत बताना। ओके वरना अभी डेट निकाल देगी शादी की। और ये जो तुम्हारा चांस है ना फैमिली एक्सेप्टेंस रोमांस वाला, वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अरे भाई उनकी हाँ है, मेरी हाँ है, तो थोड़ा फैमिली रोमांस का मजा लो ना, बढ़ जाती है स्टाइल। हैं? मैं बात करता हूँ। ओके मैम आपके लिए पार्सल। सुबह सुबह किसने भेजा होगा? टॉम क्रूज ने भेजा होगा, तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है ना, जीजू ने भेजा होगा। क्या जीजू जीजू करती रहती है? हैंड रिटन कार्ड, क्या लिखा है? तुम्हारे लिए फूल भेज रहा हूं। सीधे सीधे कहता कि तुम इस फूल से ज्यादा खूबसूरत हो तो चीज़ी लगता, इसलिए सोचा कि ये बात पोइट्री में लिखूंगा। पर लिखने बैठा तो समझ में आया कि प्यार में पोएट्स की तरह सब बिहेव करते हैं,
पोएट कोई कोई बन पाता है। बस खुद समझ जाना कि मैं कह रहा कि तुम इस फोन से भी ज्यादा खूबसूरत हो। लव यू देव। मालूम तो एक पोइट्री भी नहीं लिखी गई आपसे। सॉरी, लेकिन आपको गिफ्ट कैसा लगा? Awesome. आपकी बहुत याद आई। अच्छा, आपको मेरी याद भी आती है? पर फूल में काटी भी है ना? अच्छा, मेरी टांग खींचना बंद कीजिए, आपके लिए एक और सरप्राइज है, जल्दी घर आ जाइए। एक और सरप्राइज? आप बस 10:30 बजे तक घर पहुंच जाना, देर मत करना, I'm waiting for you. हेलो, एक और सरप्राइज? अब क्या हो सकता है? निक्की सच में मेरे रूम में शिफ्ट नहीं हुई, पागल। और माँ ने भी बिल्कुल सब कुछ वैसा ही रखा है जैसे पहले रखा था, कुछ भी नहीं बदला, दीवार शीशे के। इस घर की पूरी दुनिया पलट गई, तुझे लग रहा है कुछ नहीं बदला? मतलब? हाँ भाई, हमारा देव प्यार हो गया है उसे। क्या? भैया को? कब, कैसे, मतलब किससे? और मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? रिया निकी को पता है? सबको पता है। अरे तेरे आने का इंतजार कर रही होगी। चल छोड़ ना, मैंने बता दिया। पर मामी, है कौन वो? वो डॉक्टर नहीं, सोनाक्षी। माँ को पता है? हाँ पता है। आई हाय, ये पिनी ढीली हो गई। बेटा ये पिन ठीक करना इधर। अब भैया मेरे ना एक सिंगल फोटो खींचो ना, मुझे ना अपनी डीपी लगानी है। अरे यार निक्की, तू भी ना, सेल्फी से बढ़िया ना कोई डीपी नहीं होती। रिया, अरे देव और तेरे मामा जी कहाँ रह गए? देख तो माँ, आपके भैया और मेरे भैया पता नहीं कहाँ है सुबह से, मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन साली साहिबा, आपके जीजू बिल्कुल ऑन टाइम है। Always, मतलब you are the best जीजू। हाँ भाई, सब तैयार। ओह क्या बात है, क्या बात है, आप सबके सब कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम भी बुरी नहीं लग रही हो राधा रानी आज। हाँ भाई, मैं बुरी कब लगती हूँ? सब लोग आ गए, ये देव नहीं आया। माँ मैं बुला के लाती। हाँ जा जा जा, जल्दी लेके आना बेटा। कहाँ हो आप? मैंने कहा था ना आज टाइम पे आना। मिस्टर दीक्षित, 10:30 बजने में अभी 5 मिनट बाकी है, मैं आ रही। अच्छा ठीक है, और जल्दी आओ। ओके बाय। कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू। मैंने जो सुना वो सच है? सोनाक्षी के बारे में? हाँ। और माँ को पता है? हाँ। और माँ खुश है? मतलब माँ को सोनाक्षी से कोई प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम होगी, माँ को सोनाक्षी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चल अब नीचे चल, सोनाक्षी भी आती होगी, उसे तो पता भी नहीं है कि वो हमारे फैमिली फोटोग्राफ का हिस्सा बनने वाली है। चला जा। उसे पता नहीं है, मतलब सोना को या माँ को? पता नहीं माँ को कैसा लगेगा। आ गया देव भी। बेटा क्या काम कर रहा था, चल अब जगह पर खड़ी हो जा। हाँ जा। नेहा आ जाओ जल्दी, जगह पर आ जाओ। ए सेल्फी। हाँ भाई आ जा इधर। इन लोगों का तो चलता ही रहेगा, आप बता दो बेटा कि सब सही है ना, हम सही बैठे हैं ना। आप प्लीज थोड़ा अपने राइट में चले जाइए। सर आप प्लीज आगे आ जाइए। मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? फोन करना माँ। अरे अभी फोन करना जरूरी है? ओहो ये सब ठीक है ना, कुछ हुआ क्या? अभी तो सब ठीक है, भगवान करे आगे भी सब ठीक रहे। कहाँ हो तुम? एक मिनट में पहुंच रही। ऐसे नहीं मानेगा, मैं ही जाती हूँ उसे लेकर आती हूँ। आ जाएगा ना। ये आ गया। कहाँ जाता रहता है बेटा, चला जा, वो फोन बाद में कर लेना, अब कहीं नहीं जाना।
चल भाई हाँ ओके रेडी एक्सक्यूज मी सर आप प्लीज कैमरे में देखिए हाँ हाँ एक मिनट ओहो क्या हुआ कहाँ जाते थैंक गॉड तुम आ गए चलो देव क्या क्या कर रहे हो अरे क्या कर रहा हूँ क्या मतलब फैमिली फोटोग्राफ खिंचवा चलो For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.